कुछ नहीं मिलने वाला है, गोबर मिलेगा और गोईठा वो निकालेंगे अंदर से। पहले भी ट्रक में भर के वो गोबर लेके गए थे, इस बार भी वो गोबर लेके जाएंगे। ये रेड, ये जांच, ये पड़ताल, ये पूछताछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस है। कब तक ये तानाशाही देश बर्दाश्त करेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो ये नजारा है राबड़ी आवास के बाहर का, जहाँ पर राबड़ी आवास में सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच बाहर में आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो राबड़ी आवास पर पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार धरने पर बैठ चुके हैं और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है इनके नारे हैं और हर तरफ तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, राबड़ी आवास के पास किस तरीके से लोग जो है सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। हाथ में लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो झंडा होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता गले में पहनते हैं, वो उनके हाथ में नजर आ रहा है। पूरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरफ देखेंगे अगर तो इस तरफ तो है ही लोग, लेकिन धीरे धीरे कर कर जो तादाद है आरजेडी के कार्यकर्ताओं की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ जहां एक तरफ धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ भी धरने पर बैठे हैं। सारिका पासवान है हमारे साथ, तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। मैम, और जिस तरीके से होली से पहले सीबीआई की रेड पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। ये 10 सालों में कई दफा ये सीबीआई और इनकम टैक्स वाले आए हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ, किसी निष्कर्ष पे आपने नहीं पहुंचा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी डरती है, वो अपने विपक्षियों के यहाँ इसी तरीके से सीबीआई और इनकम टैक्स को भेज देती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं। आप कीजिए, आपको जितनी जांच पड़ताल करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या और इस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग कब तक चलेगा? कब तक ये तानाशाही देश बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। वो जानती है कि 2024 में इसी बिहार से उनको तख्ता पलट किया जाएगा, 24 में ये वहां सत्ता में बैठे नहीं जाएंगे। और वो डर और वो दहशत जो है वो इस तरीके से उनको काम करवा रही है। क्या लगता है कि सीबीआई को यहाँ से क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिलने वाला है, गोबर मिलेगा और गोईठा वो निकालेंगे अंदर से, क्योंकि और कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी ट्रक में भर के वो गोबर लेके गए थे, इस बार भी वो गोबर लेके जाएंगे। आप निकलेंगे तो पूछिएगा क्या हासिल हुआ आपको, क्या आपको कागजात मिले, क्या सबूत मिले आपको। तो ये तो सब जान रहा है कि ये सताने के लिए किया जा रहा है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले थोड़े हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता उनके साथ है जी। और कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि सक्रियता जो दिखाई दी महागठबंधन की रैली जो पूर्णिया में हुई, उसको लेकर के भाई ये डरे हुए हैं, उस भीड़ को देख के डरे हुए हैं। जहां अमित शाह जी आए हुए थे, 4 लोग नहीं जमा हुए, और जहां की लाखों की संख्या में लोग भीड़, तो वैसे भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी डरेगी नहीं तो क्या होगा? वो डर नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है। ये रेड, ये जांच, ये पड़ताल, ये पूछताछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस है कि 2024 में ये सरकार में नहीं आ रही है। थैंक यू। किस तरीके से देख सकते हैं कि हर तरफ अगर कहा जाए तो आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए राबड़ी आवास के बाहर, और क्या नजारा है वो आप देख सकते हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट निकल कर सामने आती है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।